यस, अ वेरी सीरियस मैसेज. लेकिन मुझे ये बताइए, गोइंग बैक टू व्हाट यू सेड, कि आपको हमेशा पॉजिटिव मैसेजेस ही मिले, एंड रिज वाज अ ग्रे कैरेक्टर. डू यू थिंक दैट व्हेन पीपल लाइक यू, एक्टर्स लाइक यू, हु आर ग्रेट इन्फ्लुएंसर्स माशाल्लाह, एंड हु हैव अ वेरी बिग फैन फॉलोइंग, जब वो ऐसा किरदार प्ले करते हैं, तो उस किरदार का जो इफेक्ट होता है वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि लोग उस किरदार में बुराई देख ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ द एक्टर. डू यू थिंक दैट हैज हैपेंड विथ यू? No, not क्योंकि really. क्योंकि वहाज अली इज सो मच लव्ड कि वो रिज में उनको बुराइयां ही नहीं नजर आएंगी. नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी भी एक्टर की नाकामी है अगर बुराई नजर आए. मुझे ये बात नहीं मैं कर रहा था कि बुराई नजर नहीं आई. हाँ, लेकिन रिज में बुराई नजर आई, लेकिन मुझे जो इसके बारे में फीडबैक मिला वो ये मिला कि रिज कितना अच्छा प्ले किया. उनको वहाज में बुराई नजर नहीं आती, उनको रिज में बुराई नजर आती है. तो इट्स अबाउट दैट. हालांकि अगर आप देखें, और मैं भी पढ़ता हूँ जितना भी, मैंने बहुत सारी ट्वीट ऐसी पढ़ी हैं कि लोगों ने, खवातीन ने लिखा होता है कि तुम्हारा ये हाल होगा लोगों को टैग वो तो करके. मिलना था, तो वो तो या वो एक दो मुझे ऐसे भी इनबॉक्स आए कि आपको पता है मेरे एक्स ऐसे थे. इस टाइप का फीडबैक आता रहा, तो लोग रिलेट कर रहे थे. अच्छी बात है कि ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, और लोगों को आई थिंक सीखने को डेफिनेटली मिला है. और जिनके, आई एम सॉरी, लेकिन जिनके जिनके लाइफ पार्टनर्स या जिनके जो भी रिलेशनशिप में लोग हैं, उनके अगर ऐसे किरदार हैं और वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो उन्हें रिस्क का देखने के बाद ये समझ आ गया था कि ये रिस्क ही है. एक्चुअली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. आई जस्ट वॉन्टेड यू टू से दैट, क्योंकि जब आप उनकी सामिया की बहनों को भी देखें ना, तो बहनें लव्ड हिम बिकॉज रिस वुड टर्न ऑन द चार्म, और रिस को पता था वो क्या कर रहा है. एंड आई लव द वे यू एक्चुअली शोड दैट, कि आप बैठे हुए थे, एंड किसी लड़की को क्या चाहिए होता है कि वो जो है अपनी फैमिली के साथ उनका हस्बैंड घुल मिल के बातचीत करे. सो रिस वॉज केपेबल ऑफ डूइंग दैट, एंड आई थिंक दैट्स वॉट इंडियर द कैरेक्टर. इससे हमें तो थैंक यू फॉर डूइंग दैट. लेकिन मुझे ये बताइए, रिस वापस आ रहे हैं कि नहीं? और हम सब इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो सामिया सोच तो रही थी उनके बारे में सुहागरात पे. नहीं, रिस बिल्कुल वापस नहीं आ रहे. और मुझे लगता है कि रिस ने उस कहानी में जितना, जिस तरीके से अपना किरदार निभाया, और वो उतना ही काफी था. और वापस आना उसका कोई कुछ जरूरी नहीं है. मुझे लगता है उतना अहम नहीं होगा. जितना सीखना था लोगों ने रिस से सीख लिया. जितना, और जब हम एक्टर्स कैरेक्टर्स प्ले कर रहे होते हैं, ऑनेस्टली हम भी बहुत कुछ सीखते हैं. क्योंकि आप दूसरे की जिंदगी में जब झांक के देखते हैं, तो तभी आपको गलतियों का एहसास होता है, उनको बेहतर करने की कोशिश करते हैं. तो आई थिंक रिस हैज प्लेड हिज पार्ट, तो अब उसकी जरूरत नहीं है. आपकी योर वाइफ वॉचेस योर ड्रामास, व्हाट डिड शी थिंक? आपके घर में क्या रिएक्शन था रिस का? Sana did not like Riz at all. So, and she's like, कि ऐसे characters नहीं करने चाहिए मुझे. Okay. मुझे तो आपने कैसे justify किया? मैंने कहा यार कोई बात नहीं, you know that I'm not like that. उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो कोशिश करती थी कि वो जब भी वो देखती थी, तो वो थोड़ा मुझसे एक डेढ़ घंटा नाराजी रहती थी. माशाल्लाह आपने अभी नीलम मुनीर के साथ भी काम किया, एंड अभी आप यमुना के साथ कर रहे हैं, एंड रमशा के साथ भी काम किया, एंड तीनों वर जस्ट फैंटास्टिक. आपकी केमिस्ट्री यमुना का, तो वी आर वेटिंग टू वॉच दिल नाउ मी तो नहीं. तो मुझे बताए, व्हाट इज द, डू यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, आई मीन द वे यू अप्रोच? जिस तरह आपने कहा कि रमशा के साथ आपकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री थी, तो आप डिफरेंट जब को एक्ट्रेस के साथ काम कर रहे होते हैं, व्हाट इज द वन थिंग व्हिच यू फाइंड सिमिलर बिटवीन देम एंड वन थिंग व्हिच यू फाइंड वेरी डिफरेंट? आई थिंक नाउ, सो नाउ रमशा इज वेरी फ्रेंडली, नीलम इज आल्सो वेरी फ्रेंडली. और दोनों के साथ मैंने, दिस वाज माय सेकंड प्रोजेक्ट विद रमशा, एंड दिस वाज माय सेकंड प्रोजेक्ट विद नीलम. तो मेरे लिए दोनों
इस तरह से एक जैसे लग रहे थे मुझे, क्योंकि दोनों के साथ एक सर्टन कैमराडरी मैं ऑलरेडी डेवलप कर चुका था अपने अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स पे, और वो दोनों प्रोजेक्ट्स, एक माहितमाम था एक दिलनवाज था, दे वेंट रियली वेल बोथ ऑफ देम, जी तो मुझे उस तरीके से इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई. मुझे दोनों से ही कहानी में बेपनाह मोहब्बत करनी थी, जो कि मैंने की भी. रिज ने सामिया से कुछ देर के लिए मोहब्बत की, और आहद ने बहुत बेलौस मोहब्बत की. बस फर्क सिर्फ इतना था, लेकिन दोनों ही बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस हैं एज यू ऑल नो, और दोनों ही बहुत अच्छा. मेरा ये होता है कि आई एम डिपेंडेंट ऑन द अदर एक्टर, तो उस दूसरे एक्टर की एनर्जी मुझे हेल्प कर रही होती है. तो अगर तो दूसरा एक्टर मुझे हेल्प नहीं कर रहा और वो इतना एबल नहीं है, तो फिर मेरा सीन वैसे ही नहीं अच्छा हो पाएगा और मेरी परफॉर्मेंस में फर्क आएगा. आई थिंक क्रेडिट गोज टू रमशा एंड नीलम, बोथ ऑफ देम, दे सो फैंटास्टिक माशाल्लाह. उनको अपना क्राफ्ट पे इतना इतना ग्रिप है कि वो दूसरे इंसान के लिए बहुत आसान कर देते हैं काम करना. आई एम श्योर दैट दे वुड से द सेम थिंग अगर हम उनसे पूछें, दैट दे प्रोबेबली गेट द एनर्जी एंड द वाइब्स फ्रॉम यू एज वेल. सो यू आर बीइंग वेरी मॉडेस्ट हियर. यू सी इट्स एक्शन एंड रिएक्शन. जी, इट्स वेरी सिंपल. एंड एक्टिंग फॉर मी इज अंडरस्टैंडिंग. तो अगर दो लोगों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग है, तो वो फिर इट्स डिफरेंट. It's different. So, and what about Yumna? अभी जो आप कर रहे हैं ये project निकलने वाले, we are all waiting for it. How is that going? Honestly, Yumna हमारा पहला project था. Yumna अभी she's also a very celebrated actress. और जो मैंने खुद अपनी आँखों से भी देखा है कि Yumna Yumna is a very beautiful actress. लेकिन बड़ी अच्छी बात ये है कि मैं conscious था कि पता नहीं पहला मेरा प्रोजेक्ट है उनके साथ किस तरह की कैमराडरी होगी. बाकी केसेस में तो जरा मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था, लेकिन Yumna के साथ सीन्स करने का पता ही नहीं चलता. ऐसा लगता है कि सब कुछ पानी की तरह बह रहा है. इतना अच्छा आपको एक्शन मिल रहा होता है, क्योंकि किसी और से भी ये बात कर रहा था कि उसका रिएक्शन ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा होता है आपके अंदर से, तो एफर्ट बिल्कुल भी नहीं लग रही होती. इट्स ऑल एफर्टलेस गेम. तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा. ओके ग्रेट, आई विल कम बैक टू दिल नाउ. मी तो नहीं इन अ लिटिल व्हाइल, बट इट्स ग्रेट टू हियर दैट. मुझे एक बिफोर आई मूव ऑन टू विक्रम मोती, मुझे कोई एक आप इंसिडेंट मजे का बता दें किसी पिटी मोहब्बत जो, क्योंकि अब आप वापस भी नहीं आ रहे हैं. आई एम श्योर कि आपके फैंस को, फॉलोअर्स को, आपको भी इतने इनबॉक्स आए. वुड लव टू नो समथिंग फनी और मेमोरेबल दैट हैपेंड ऑन द सेट्स. एक सीन था जो कि उस तरह से रजिस्टर नहीं हुआ, सबा मैम के दरमियान और हम लोग सब खाने की टेबल पे बैठे हैं. आई थिंक वो फिफ्थ और सिक्स्थ एपिसोड का सीन था जिसमें शहूद सर आते हैं और वो बात कर रहे होते हैं, मेरी बहन का रिश्ता लेकर आते हैं, हम सामने बैठे होते हैं, मेरी वालदा सबा मैम इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रही होती हैं और वो मैं करेक्ट कर रहा होता हूँ और शहूद सर थोड़ा सा, तो वो रजिस्टर नहीं हुआ. तो वो इतना सबा मैम बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, वी आर सो लकी टू हैव हर. वो इतना वो नीचे से मुझे टांगे मार रही है तो पूरे सीन में, क्योंकि वो हम बिल्कुल वो कैरेक्टर्स बने हुए थे, हम वो फील कर रहे थे, तो मुझे सीन के दौरान बहुत मार पड़ रही थी ड्यूरिंग द सीन कि चुप करो तुम, चुप करो, चुप करो. आई थिंक वो इतना रजिस्टर नहीं हुआ, लेकिन वो दैट वाज वेरी फनी. और वो एक ऐसा ऐसा मोमेंट है कि वो मुझे याद आता है बार बार कि मुझे कितनी लातें पड़ी हैं इस सीन में. शी वांटेड यू